नमस्कार मित्रों मैं हूं अशोक वर्मा आप देख रहे हैं टीवी ट्वेंटी न्यूज आप सभी प्रिय दर्शकों को टीवी ट्वेंटी न्यूज परिवार की तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़ जिसके प्रबंधक है दीपक राय जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के मसूना गांव के निवासी दीपू कुमार गुणपुत्र राजेंद्र गुण की शादी ग्यारह जून 2019 को रुचि गुणपुत्री मांगू गुण निवासी छोटी डांडी घोसी जनपद महोत्स से हुई थी पर वो शादी के बाद से ही बार बार मोबाइल पर घंटों किसी से बात किया करती थी जिस पर पति ने डांटा फटकारा तो यह बीस सितम्बर तो दो को घर से फरार हो गई एवं तो दो चार दिन इधर उधर तलाश करने के बाद मामा निरंजन मामी सुमन एवं माया देवी माता उसके घर पहुंची और कहा कि तुमने हमारी लड़की की हत्या कर दी है उन्होंने तो कहा कि आपकी लड़की कहीं चली गई है हम लोग मिलकर तलाश करें सितंबर में ही दो हजार उन्नीस में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ माता माया देवी की तहरीर पर जेलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर पुलिस बार बार दीपो के परिवार और दीपो को प्रताड़ित करती रही यहां तक कि दीपो का आरोप है कि पुलिस ने पैसा भी लिया और उन्नीस जनवरी दो को दीपो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तेरह फरवरी दो हजार इक्कीस को हाईकोर्ट से जमानत होने पर दीपो रिहा होकर घर आया परिजनों ने रिहाई के लिए दो फॉर व्हीलर गाड़ी और पांच तक बेच दिया मंगलवार को पुलिस ने रुचि के प्रेमी के साथ भिन्न मध्य प्रदेश में रुचि को गिरफ्तार करके चैनपुर ले आई पर इधर तेरह माह जेल काटने के बाद दीपू का पूरा परिवार काफ़ी परेशान है और दीपू बार बार आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि जो हमने तेरा माह निरप पर, निरापराध पत्नी के जुर्म में हत्या का मुकदमा झेलते हुए जेल काटी उसकी भरपाई कौन करेगा अब हमें न्याय दिया जाए न्याय कौन देगा क्या पुलिस हमारे तेरा माह और जो हमें प्रताड़ित किया गया उसको वापस कर देगी यदि नहीं तो उसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई

दरोगा साहब चंद्रशेखर यादव ने ये सब कार्रवाई करके ग्वालियर से उपस्थित किए हैं तो हाँ तो ये जो है कि किसके साथ थी ग्वालियर आपकी क्या मांग मांग यही है कि मेरे साथ इंसाफ हो जो मेरा स्थिति खराब हुआ है जो खेत गाड़ी घोड़ा सब बिका है और मेरे साथ जो मेरे माँ बाप सबको यहाँ पे बैठाया गया थाने में डिस्टर्ब किया गया डिप्रेशन में डाला गया तीन साल से डिप्रेशन में हम लोग जी रहे हैं और सब आज़ाद घूम रहे हैं फंसाने वाले ठीक